महिलाओं को उद्योग के लिए एक लगाव प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रत्येक जोन कार्यालय क्षेत्र में नागपुर महानगर पालिका द्वारा जल्द ही एक पल स्टॉल कैंटीन स्थापित की जाएगी। महिला और बाल कल्याण समिति की एक बैठक शुक्रवार को विभिन्न मुद्दों पर आयोजित की गई थी। बैठक में उपाध्यक्ष दिव्या थोटे, संगीता जीही, सदस्य मंगला खाकरे, मनीषा अत्रे, नेहा निकोसे, उपायुक्त डॉक्टर रंजना लाड़े, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी, सहायक आयुक्त राजू भिवाड़े, गणेश राठौड़, हरीश राउत सहायक आयुक्त उपस्थित थे। स्नेहा करपे, किरण बुकड़े और अन्य उपस्थित थे। नगर पालिका महिला और बाल कल्याण विभाग के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को लाभान्वित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। इससे प्रत्येक जोन में फ्रूट स्टॉल कैंटीन शुरू की जाएगी। महिला बचत समूह को 6 महीने तक चलने वाला एक फल स्टॉल कैंटीन प्रदान किया जाएगा। इसके लिए ईश्वर पत्र द्वारा महिला बचत समूह का चयन किया जाएगा। यह योजना है कि 6 महीने पूरे होने के बाद अन्य बचत समूह के पास अवसर होगा। महिला और बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष संगीता गिरी ने कहा कि इस संबंध में सभी आवश्यक कार्यवाही सहायक आयुक्त जोन द्वारा पूरी की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।